नमस्कार। सो फाइनली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग चलती है, जो बेसिकली कहने को दिल्ली स्टेट काउंसलिंग है, बट उसके अंदर टोटल 3 कॉलेज आते हैं, ACMS, अंबेडकर और NDMC, जिसमें हम जानते ही हैं कि ACMS में इस आर्मी कॉलेज 86 सीट्स आउट ऑफ 100 आर रिजर्व फॉर इंडियन आर्मी एंड रेस्ट आर कैटेगरी, देर इज़ नो सीट फॉर दिल्ली जनरल स्टूडेंट। बट जो इंटरेस्टिंग बात है, रिजल्ट उसका फाइनली आज आ रहा है, बहुत लेट है जब पूरी दुनिया का आ चुका, और उम्मीद है कि दोपहर को आ जाएगा, और बहुत शॉर्ट टाइम दिया उन्होंने। सोचिए आज रिजल्ट आएगा 12 बजे, और कल तक का टाइम दिया एक्शन करने का, मतलब 24 घंटे का टाइम दिया है। इतना शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम तो हिंदुस्तान में कोई नहीं देता, और भाई IP है। और तभी मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग हमारे ऐसे होते हैं कि जैसे आपने आज सुबह देखा या कल रात शाम को देखा होगा, तो आज सुबह नोटिस डाला है और कल सोचिए दोपहर को 2 बजे है। तो कोई अगर ये सोच के बाहर गया चला गया कि चलो MCC में अभी टाइम है, मैं संडे को 2 दिन के लिए बाहर चला गया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब नोटिस आके ख़त्म हो गया। और यही IP हमेशा करती है, और जो खासकर हमारे दिल्ली के क्लाइंट्स होते हैं, मैं यही कहता हूँ उनको, या जो हमारा काम होता है या आप खुद करते हो, कि ये जो नोटिफिकेशंस आती है हर एक काउंसलिंग में, जो हिंदुस्तान में 25 के ऊपर काउंसलिंग इस समय चल रही हैं MCC+ सब स्टेट्स की, इसमें ना जो ये ड्यूरेशंस होती है ना ड्यूरिंग दिस काउंसलिंग प्रोसेस, ये 2-3 दिन की होती हैं। अब कल ये मेरे पास एक क्लाइंट आया था कि केरल का फॉर्म भरा हुआ था, मैंने फॉर्म भरे तो पुरानी बात हो गई, फिर वो चॉइस फिलिंग हो गई, ख़त्म भी हो गई, और 5,000 रुपये देने थे, तो कहते हैं जी वो तो भूल ही गए। सोचिए, मतलब कि स्टूडेंट की उम्मीद थी केरला में सीट लेने की, वो लो मार्क्स वाली स्टूडेंट है, और भाई हम फॉर्म भरना ही भूल गए, ऑप्शन फिलिंग करना ही भूल गए, मतलब पता ही नहीं चला। क्योंकि कोई ये तो है नहीं ना कि हिंदुस्तान में वो तो सिस्टम है नहीं कि अगर आपने कहीं रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वो अथॉरिटी आपको SMS भेजेगी। काउंसलिंग पैकेज आपने ले रखे नहीं ले रखे, अगर अच्छे काउंसलर की, और आप वो फ्री वाले यूट्यूब देख रहे हो, तो कोई ऐसा भी नहीं है कि जो पक्का आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि देखो जी कर लो, तो उनका उनका केरला मिस हो गया। कमिंग बैक टू IP, तो पहली चीज़ क्या है कि IP दोपहर को 12 बजे बोला है, तो क्या पता 2-3 बज जाए, तो लगातार देखते रहना। अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात देखिए, IP की फ़ीस तो जो उनकी फ़ीस है वो है, बट चूँकि IP का ना सॉफ्टवेयर सेम है, और IP के अंदर आपको पता बहुत सारे कोर्स है, BTech BBA वगैरह भी कराते हैं दिल्ली के बच्चों का। तो दो यूनिक चीज़ें हैं जो हम, एक तो ये होता है कि अगर जिसको भी आज सीट मिली और उसने पार्ट पेमेंट 60,000 रुपये की नहीं करी, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ऐसा कई बार होता है कि देखिए, अब देखिए आज सीट तो उसी को मिलेगी, हम जानते हैं कि द कट ऑफ विल श्योरली क्रॉस 630 या 635 मार्क्स लुकिंग एट दिस ईयर सिनेरियो, और शायद उससे भी ज़्यादा 640 भी क्रॉस कर सकती है, खासकर दो कॉलेजों की, मैं ACMS की बात नहीं कर रहा। अब अक्सर बच्चा ये वही होता है जिसको ना MCC में या ऑल इंडिया में अच्छा सीट मिला हुआ है, और ये आपसे 60,000 रुपये मांग रहे हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि अभी 60,000 रुपये नहीं फंसाते, राउंड टू में देख लेंगे, पहले अपना ऑल इंडिया कोटा राउंड टू तो देख लें। लेकिन आपको ये 60,000 रुपये की पार्ट अकेडमिक फ़ी पे करनी है ऑनलाइन। अगर आपने फ़ी पे नहीं की तो इसमें फ्री एग्जिट नहीं होता है, आप ये चलिए कि मध्य प्रदेश की तरह आप काउंसलिंग से डिबार हो जाओगे। तो आपको राउंड वन में सीट मिली और आपने कुछ नहीं करा उस पर, और कुछ नहीं करा मतलब आपको एक्सेप्ट करनी है। तो बंदा कहता है जी लेकिन मैं तो जाना नहीं चाहता, तो बिल्कुल आपको ना दो ऑप्शन मिलते हैं, इसको बोलते हैं विलिंगनेस, फ्लोट और फ्रीज। तो आप फ्लोट कर दीजिए, मैं तो जो जिसको भी IP में राउंड वन की सीट मिलेगी, मैं जानता हूँ ये सारे बच्चे वो हैं जो उधर से दिल्ली में मौलाना आज़ाद या वर्धमान महावीर के चक्कर में है, करेक्ट। आप 60,000 रुपये दीजिए और फ्लोट कीजिए, ठीक है, कि किसी को अम्बेडकर पसंद है, मिल गया तो आप फ्रीज़ करके रिपोर्ट करके अपना एडमिशन ख़त्म कर सकते हैं। और इन महानुभावों ने वो रिपोर्टिंग का भी टाइम कल तक कर दिया है, तो जैसे आज रिज़ल्ट आएगा तुरंत आपको फीस पे करनी है ऑनलाइन, तुरंत आपको फ्रीज़ करना है, और कल दोपहर को 2 बजे तक आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है। अगर आपने फ्रीज़ कर दिया तो समय बहुत कम दिया है, तो और जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है वो ये है, फ्लोट कीजिएगा। फ्लोट का मतलब होता है कि आप राउंड टू में चलेंगे अपग्रेड के लिए। अब अम्बेडकर का अपग्रेड तो अम्बेडकर ही होगा इसमें, और IP ये भी आपको सुविधा देती है कि आप एक बिल्कुल सिंपल बटन देते हैं, विड्रॉ फ्रॉम काउंसलिंग, आप उस बटन को दबा देंगे जब भी, जैसे आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया, आपके 60,000 रुपये ऑनलाइन वापस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस ये है, बट समटाइम हम इन डिटेल्स में नहीं जाते हैं, आज 60,000 रुपये भरने में शर्मा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप में से कई लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सोचो 1 दिन का टाइम दिया टोटल, राइट। और अक्सर मुझे लगता है कि वो सरकारी वाले हैं और 60,000 बहुत बड़ी रकम लगती है ना, फंसाने की हमें तो जाना नहीं है। लेकिन अगर जिसको बैकअप भी रखना है, जिसको भी और सोचना विचारना है, वो 60,000 रुपये जरूर दीजिएगा, नहीं तो आप काउंसलिंग से डीबार हो जाओगे। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए। नमस्कार, बाय बाय।